वेलकम टू माय चैनल एंड आज हम बनाएंगे आटा सूजी एगलेस केक। एंड इसके लिए मुझे ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इसके लिए मैंने ये मेजरमेंट के लिए यूज़ किया है, एक टी कप के बराबर इसका मेजरमेंट है। यहाँ पर वेनिला एसेंस है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड ये थोड़ा सा मैदा है केक टिन को ग्रीस करने के लिए, कबाब स्टिक है। यहाँ सारी चीज़ें, ये चीनी है, ये 5 टीस्पून मिल्क पाउडर है, ये सूजी है 1 कप और ये फिटा हुआ दही है ऑलमोस्ट 1/2 कप एंड ये 3/4 कप ऑयल है एंड ये 1 कप से थोड़ा कम आटा है। जितना सूजी रहेगा उससे थोड़ा कम आटा रहेगा एंड ये 1 ग्लास मिल्क लिया है। पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, तो ये 1 कप से थोड़ा कम आटा हमने ऐड किया एंड इसके ऊपर हम ऐड करेंगे 1 कप सूजी एंड देन 5 टीस्पून मिल्क पाउडर, ये ऑप्शनल है, आपके पास हो तो ऐड करें, नहीं तो आप नॉर्मल दूध भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे एंड इसको बहुत अच्छे से मिक्स करें और इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए एंड मिक्स करके इसको साइड में रख दें। एंड ये केक बहुत ही हेल्दी होगा। चाहिए तो आप चीनी की जगह यहाँ शुगर फ्री का पाउडर यूज़ कर सकते हैं एंड ऑयल की जगह बटर यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको मैं साइड में रख दूँगी एंड तैयारी करूँगी लिक्विड इंग्रेडिएंट्स के लिए। यहाँ पर हम पहले 1 कप चीनी को ग्राइंड कर लेंगे। इसको ग्राइंड कर लिया है मैंने। अब इसमें हम फिटा हुआ दही एंड ऑयल डाल देंगे। ये ऑलमोस्ट 1/2 कप दही है, इसको अच्छे से फेंट लिया है जाते इसमें लम्स नहीं रहे। 3/4 कप ऑयल ऐड कर देंगे। आप इसकी जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं, बटर अगर डालें तो 50 ग्राम्स बटर आप डाल दीजिए इसमें। एंड इसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी एंड चाहिए तो आपको थोड़ा इसको थिन करने के लिए आप दूध डाल सकते हैं यहाँ पर। अब इसको हम ड्राई मिक्स के साथ मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे एंड कोई लंप नहीं रहना चाहिए। पतला करने के लिए हमने दूध रखा हुआ है, हम उससे ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास दूध नहीं हो तो आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मिक्सर थोड़ा मॉइस्ट हो क्योंकि इसके बाद हम इसको 30 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे सूजी को फूलने के लिए। तो इसमें हम थोड़ा सा वेनिला एसेंस डालेंगे ऑलमोस्ट 2-2.5 टीस्पून। इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। आपके पास वो ना हो तो आप कॉफ़ी को पानी में घोल के, जैसे मैंने पहले बताया था पहले वीडियो में, मेरे एक केक के वीडियो में, वो सेम प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इससे काफ़ी अच्छा स्मेल आता है, काफ़ी अच्छी खुशबू आ जाती है। अच्छे से मिक्स करिए, कोई लंप नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत गाढ़ा हो चुका है ना, थोड़ा सा दूध मैंने ऐड किया एंड इसका देखिए कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाऊंगी कैसी कंसिस्टेंसी में। आपको इसको 30 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। अच्छे से विस्क कर लिया मैंने। अब इस कंसिस्टेंसी में इसको 30 मिनट्स के लिए ढक के रख दूंगी। आटा बन केक टिन रेडी करेंगे। केक टिन को रेडी करने के लिए केक टिन बिल्कुल ड्राई होना चाहिए एंड इसमें हम अच्छे से कोने हर कोने में ऑयल लगा देंगे एंड देन मैदा डाल के इसको स्प्रेड कर देंगे मैदे को। इससे आपका केक नीचे से चिपकेगा नहीं और आपको बटर पेपर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्प्रिंकल कर लीजिए इसको, अच्छे से इधर उधर स्प्रेड कर लीजिए एंड देन अब मैंने ये बेक करने के लिए इस पैन में हम इसको बेक करेंगे केक को। तो ये मोटा बेस वाला पैन है एंड इसमें हम सॉल्ट डाल के प्री हीट करके रखेंगे पहले, जैसे ओवन को किया जाता है। तो ये सॉल्ट मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ एंड ये नॉर्मल सॉल्ट है। इसको डाल के फैला दीजिए एंड केक का टिन रख के बेस को प्लेन कर लीजिए एंड देन इसको प्री हीट करिए फुल आंच पे 10 मिनट्स। बहुत ध्यान से करिए क्योंकि हाथ जलने का चांसेस रहता है, काफ़ी बड़ा पैन है। तो इसके बाद हम देखिए, ये 20-30 मिनट्स रखा था, ये काफ़ी थिक हो गया है। इसमें मिल्क ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी को ठीक करेंगे और इस टाइम पे हम बेकिंग सोडा भी डाल देंगे 1 टीस्पून एंड इसके साथ अगर आपके पास विनेगर है तो 1 छोटा चम्मच विनेगर या 1 छोटा चम्मच लेमन जूस आप डालिए
मिक्स करने के बाद एंड तुरंत इसको बेकिंग पे डालिए, क्योंकि बेकिंग सोडा डालने के बाद आप इसको मत रखिए ज़्यादा देर, नहीं तो आपका केक नहीं फूलेगा। एंड हमारा केक टिन जो रेडी किया था उसमें आप बैटर को डालिए एंड पैट करिए एंड अच्छे से इसको बेक करिए। ये बहुत ही हेल्दी केक है एंड एग केक की तरह ये 100% उतना तो नहीं फूलता है, लेकिन हाँ ये फूलता है एंड ये बहुत टेस्टी लगता है। एंड जैसे हम लोग थर्सडे को वेज खाते हैं, तो थर्सडे को केक खाने के लिए ये बेस्ट केक रहता है। ये वेज केक है तो ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो देखिए ये प्री हीटेड पैन में मैंने बहुत ध्यान से इसको रख दिया है, इस टाइम हाथ नहीं जले। बहुत ध्यान से इसको प्लेस करिए एंड ढक के इसको 45-60 मिनट्स तक चेक करते करते आप इसको पकाइए। ओवर कुक मत करिएगा, नहीं तो ये नीचे से हार्ड हो जाएगा। हमारा केक रेडी हो चुका है, मैं इसको निकाल के ठंडा कर लूँगी एंड देन मैंने इसको काट के इसके ऊपर थोड़ा शुगर स्प्रिंकल कर लिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।